गोहद में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वो सभी प्रत्याशियों ने प्रचार और प्रसार शुरू कर दिया है। इसके मद्देनजर प्रमुख दलों के नेता मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। वे घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 15 से भारतीय जनता पार्टी के युवा शिक्षित प्रत्याशी सचिन कोरकू मैदान में उतरे, जिनसे साता न्यूज की टीम ने खास बातचीत की। बड़ी सड़कों की समस्या है, जो इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए मैं लड़ाई को नज़रअंदाज करते हुए और इस राजनीतिक दल में अपना सहयोग और समर्थन और लगन से मेहनत करना चाहता हूँ, लगन करना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ। और सरकार कहती है कि पढ़ेगा एनडीए तभी तो पढ़ेगा एनडीए, शिक्षा जैसी चीज़ को आप किनारे रखे राजनीति में पढ़ेंगे भी, जब पढ़े पढ़ाएंगे भी, उसी के साथ राजनीति भी करेंगे। राजनीति एक दलदल है, दलदल में आप कैसे रह पाओगे? ये दलदल नहीं है, ये हमारे लिए एक मौका है, एक अवसर है। पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए राजनीतिक और ये सारी चीजें करना, आज जो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वही तो आज देश को आगे ले जाएगा। देश पढ़ा नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? और शिक्षित लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा? आप अपने वार्ड में चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्योंकि हमारे वार्ड में सीट नहीं होती एसटी। वार्ड नंबर 15 में क्या वार्ड नंबर समस्या? वार्ड नंबर 15 की सबसे बड़ी समस्या जो पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है और भी बहुत सारी समस्या है। हम कोशिश करेंगे कि हमें अगर सभी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। पिछले 5 सालों में नहीं, पिछले 5 सालों ने जो किया है वो तो जो किया है वो उन्होंने किया ही होगा, लेकिन अब हम जो करेंगे वो कुछ अलग होगा। जो समस्या है वो हम उसका निराकरण करेंगे। मेरे जितने भी वरिष्ठ से लेकर सब कार्यकर्ता हैं और जो बीजेपी की सदस्य हैं, सब मेरा बहुत सब मदद कर रहे हैं और मेरा सहयोग कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ एवं कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से।